हाउ टू कंडक्ट क्लासेस ऑन जूम। आइए 3 मिनट में इसको समझते हैं कि जूम पे कैसे क्लास करें। सबसे पहले जूम को डाउनलोड करें। जब जूम डाउनलोड हो जाए तो जूम को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने आएगा न्यू मीटिंग। न्यू मीटिंग को क्लिक करेंगे, स्टार्ट ए मीटिंग को क्लिक कीजिए। यहाँ पे कनेक्टिंग का आएगा, जो जब बफर कर रहा है, जो ऊपर में आप देख रहे हैं बफर करेगा। थोड़ी देर के बाद वो खुलेगा और नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। उसमें एक ऑप्शन ये भी आएगा कि उसमें पार्टिसिपेंट्स का भी आएगा। तो जब पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन आएगा तो उसमें पार्टिसिपेंट को आप जब क्लिक करेंगे, उस वक्त आप ही होंगे पार्टिसिपेंट, क्योंकि आपने ही उसको किया है, आपको कोई ज्वाइन नहीं किया है। तो क्लिक कीजिएगा तो जैसे नीचे में आपको यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स दिखा रहा है, क्लिक कीजिए उसको। क्लिक करने के बाद खुल जाएगा आपको, और नीचे में इनवाइट आएगा। जैसे यहाँ पर इनवाइट आया, आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आएगा कॉपी इनवाइट लिंक। इसको जैसा स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे। अब लिंक आपकी कॉपी हो गई। आप चाहें तो जिस तरीके से इसको पेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप जो हैं उसमें आप जाके पेस्ट कर दीजिए। जैसे अपने वो कॉपी हो गई आपको, तो जाइए व्हाट्सएप, जो आपने अगर रिसेंट में खोला होगा तो व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में जाइए। और व्हाट्सएप में जाके उसको आप जिस ग्रुप में आपको डालना है उस ग्रुप में जाके उसको पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आप उसमें कुछ चेंजिंग भी ला सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ आप उसमें टाइमिंग चेंज कर दें उसमें, या आप उसमें नाम चेंज करें, या जिसके लिए आप जो क्लास आप लेना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप वहाँ पे भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंग्लिश क्लासेस बाय सज्जिदानंद सिंह, मैं लिख रहा हूँ, तो इस तरह से आप उसमें लिख सकते हैं। उसमें टॉपिक, टाइमिंग, टीचर, ये सब उसमें आप लिख सकते हैं। इसी लिंक को आप जो आपकी क्लासेस रोज़ाना होंगे तो उसी टाइमिंग में आप इसी लिंक को काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना एक अलग अलग लिंक बनाएं। इसी लिंक को उसी ख़ास टाइम में आप इसको स्टार्ट करेंगे तो वो लिंक स्टार्ट हो जाएगा। आप बच्चे उसको क्लिक करेंगे, आप उनको एडमिट करेंगे, लेकिन आपको पहले से उसमें उस लिंक को खोल के रखना होगा जिस वक्त में आपने उसकी टाइमिंग दी है। अब आपने लिंक को क्लिक किया हुआ है, अब बच्चे क्या करेंगे, उसके उस लिंक को क्लिक करके बच्चे उसमें अपने आप को शामिल होना चाहेंगे उस मीटिंग में। अब वो जब आपके सामने आएगा ऑप्शन एडमिट करने का, तो आप उसको एडमिट कर लेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं आप सामने, एक है स्टॉप वीडियो और स्टॉप स्टार्ट वीडियो। जब आप चाहते हैं कि आपका वीडियो स्टार्ट हो तो आप इसको क्लिक कीजिए, आपको वीडियो स्टार्ट होने लगेगा। आप ऊपर जो कैमरा है उस कैमरे में अगर क्लिक करेंगे आप, तो आपका जो फ्रंट कैमरा चाहे बैक कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। आप उस हिसाब से किताब को लेकर भी पढ़ा सकते हैं। एक ऑप्शन इसमें जो है वो ये आता है कि आप अपने स्क्रीन को कैसे शेयर करेंगे। स्क्रीन को शेयर करने का मामला ये है कि आप बीच में जो स्क्रीन शेयरिंग का है, इसके मतलब शेयरिंग का जो मामला है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। उसमें एक नीचे आप करेंगे तो स्क्रीन शेयर आएगा। आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपका स्क्रीन जो है बच्चों को नज़र आएगा। अब स्क्रीन में जहाँ से आप चाहे उसको यूट्यूब की वीडियो दिखाना चाहते हैं, या कहीं पर PDF आपने रखा वो दिखाना चाहते हैं, तो बच्चे उसको देखेंगे और उसको आप ऑनलाइन उनको स्क्रीन शेयर कर पढ़ा सकते हैं। थैंक यू।